गुड इवनिंग, मैं अर्पिता आपके लिए फिर मैं आज लेकर आई हूँ 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। स्टूडेंट, आज मैं 40 क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, जिसमें कुछ कली वाला रहेगा, उसके आगे आप नए नए क्वेश्चन देखेंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, जो ये पूछा क्वेश्चन कि गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ के उसका सही आंसर हम लोग ढूंढने की ट्राई करेंगे। तो पहली ऑप्शन है ए बैड कंडक्टर, बी इंटेलिजेंट कंडक्टर, सी गुड कंडक्टर एंड डी डिलाइटफुल कंडक्टर। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम लोग कल भी किए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे एक बार जरूर पूरे वीडियोस को देखिएगा और लाइक कीजिएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी हो गया, गुड कंडक्टर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर टू, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये पूछ रहा है सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। चार ऑप्शन है, ए है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बी है अ चाइल्ड इज बर्न, सी है अ मैरिज प्रपोजल, डी है भारत इज माई होम। तो आप लोगों को पता है कि ये लाइन है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एक मिनट बच्चों, ए इज आवर करेक्ट आंसर, नॉट डी, ए इज आवर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। ये पूछा है सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ इन मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। चार ऑप्शन है, भारत इज माई होम, बी है अ पिंच ऑफ स्नो, सी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड डी है आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड। सो बच्चों, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी, सी इज आवर करेक्ट आंसर, सी। बच्चे, यहाँ पे कुछ जो ट्रिक हो रहा है उस पर आप ध्यान ना दे के मेरी बातों पे वर्ड पे ध्यान दीजिए। थर्ड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। थैंक यू बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, द मोर वी इग्वल्ड इन आवर पैसन द मोर अनब्रिडल्स दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। ए ऑप्शन ए भारत इज माई होम, बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सी हाउ फ्री इज द प्रेस, डी अ चाइल्ड इज बॉर्न। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। बच्चों, ये हम लोग कल भी किए, तो आई होप कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, वो मेरी पहली वीडियो थी। प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रोवाइड कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव, डॉट वी आर सेटिस्फाइड विद द ट्रू होम रूल। ऑप्शन ए आवर एंसेस्टर, बी जर्मन, सी इटालियन, डी ग्रीक्स। ये पूछ रहा है कि ट्रू होम जो सेटिस्फाइड होता है वो किसके थ्रू होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एंसेस्टर के थ्रू होता है, तो फाइव का ए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज हर। ये पूछ रहा है इंडिया इमूवेबल है एंड दैट इज हर। ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंस, बी ग्लोरी, सी ऑनेस्टी, डी पावर। तो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन जो सिक्स का होगा वो बी होगा, ग्लोरी।
सॉरी बच्चों, 6 वाली 2 बार रिपीट हो गया है, तो आप एक स्किप करके आगे बढ़ जाना। और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदूज दैट हैज किप्ट एट अ लाइफ अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम ऑप्शन ए आर्टिस्ट, बी द अर्थ, सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डी आई हैव अ ड्रीम। सो अगर मैं ये चैप्टर आपको, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं इससे बहुत ही अच्छा वीडियो बना के आपको भेजूँगी। तो बच्चों प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाते रहो। और सॉरी मैं ये बीच में बोली क्योंकि कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आप लाइव आके मुझे पढ़ाओ। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो पर सपोर्ट दिखाते हो तो मैं ऑब्वियस आऊँगी लाइव। चलते हैं 7 में सही ट्रिक करने। तो इस 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सी इज अ करेक्ट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ई डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन, ये मैं कल वीडियो बनाई थी और मुझे भी याद है, तो आई होप कि आपको भी ही याद होगा। इसका आंसर होगा 6 30 जनवरी 1948। बच्चों ये मत सोचो कि हम बाद में जाके याद करेंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था अपने, मैं पढ़ते जा रही थी और सोचती थी कि अभी तो बहुत टाइम है, लास्ट टाइम मैं सारा देखूंगी, बट इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता बच्चों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करो कि जो आप पढ़ रहे हो वो तुरंत याद कर लो। आगे चलते हैं बच्चों 9, क्वेश्चन नंबर 9। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी अ बीटिंग इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, ऑप्शन ए है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बी है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, सी द अर्थ, डी भारत इज माई होम। सो करेक्ट आंसर इज ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बच्चों एक्चुअली मेरी जो स्क्रीन की ब्रश है वो काम नहीं कर रही है, तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप जो आंसर ट्रू जो सही आंसर है उसे ट्रिक करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, ऑप्शन ए है दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, ऑप्शन सी दे डिड नॉट लाइक टू सी अस एज अ कम्फर्टेबल, डी दे वेयर जेलस ऑफ अस। नो बच्चों द करेक्ट आंसर इज ए, ए इज आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर हैं एंसेस्टर थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम मशीनरी पे डिपेंड रहें, वो चाहते थे कि हम अपना काम स्वयं करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, ऑप्शन 4 है आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डी द अर्थ। सो स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बी पे चल 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाराओस वियर रूल ऑफ एंशिएंट, ऑप्शन ए है रसिया, इजिप्ट, इन सी है इंडिया, डी ग्रीक्स। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो इजिप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डॉट 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 वियर रूल ऑफ इजिप्ट, ऑप्शन है ए है अमेरिकन्स, बी अफ्रीकन्स, सी आयरियंस, डी फैराओस। सो बच्चों इसका 13 का जो करेक्ट है वो डी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े उसी को, क्वेश्चन नंबर 2 को ही बदल के वो 13 किया है। तो बच्चों आपका एक कंसेप्ट अगर सही रहेगा तो आप उससे 2-4 क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना कंसेप्ट बस क्लियर रखो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, पूछ रहा है सिविलाइजेशन स्टेट है डेवलपमेंट ऑफ किस चीज का, ए पीपल का, बी एनिमल का, सी बर्ड का, डी नॉन लिविंग थिंग्स का। सो स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, पीपल के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गिबोन इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए इटली,
बी स्वीडन, सी रसिया, डी अमेरिका। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर इज ए इटली, इटली। क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया। ऑप्शन ए है वेंट, बी लिविंग, सी रियन, डी रियून। सो करेक्ट आंसर इज डी रियून, क्योंकि हम लोग यूरोपियन कल्चर अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बर्बाद हो जा रहे हैं, हम अपनी इंडिया के कल्चर भूलते जा रहे हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑप्शन ए अमेरिकन सिविलाइजेशन, बी इंडियन सिविलाइजेशन, सी यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों ये पूछ रहे हैं कि सिंपल थिंकिंग लिविंग बहुत ही साधारण रहना और हाई सोचना, ये हमारे इंडिया का ही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 17 का बी आंसर करेक्ट होगा। 18 पे चलते हैं। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज फ्रॉम, इट इज ऑप्शन ए इमूवेबल, बी मूवेबल, सी अनसिविलाइज, डी इग्नोरेंट। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा इमूवेबल, क्योंकि इंडिया का जो ग्लोरी है वो इमूवेबल है। 19 पे चलते हैं। डॉट 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 वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। ऑप्शन ए है नेहरू जी, बी है सरदार पटेल, सी है महात्मा गांधी, डी है इंदिरा गांधी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहरू जी। 20 का है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। ऑप्शन ए है नेहरू जी, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी सरदार पटेल। सो स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 21, द ह्यूमन माइंड इट इज अ रेस्टलेस डॉट 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 द मोर इट गेट्स देन मोर इट वांट। बोल रहा है कि मनुष्य के, आप तो जानते ही होंगे, हमें जितना मिलता है उतना ही कम पड़ता है, हम और अधिक चाहते हैं। कभी कहते काश ये मिल जाता है, ये जब मिल जाता है तो काश वो मिल जाता, हमारी विश लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो 21 का ऑप्शन ए है बर्ड, बी है डॉग, सी है काउ और ऑप्शन डी है मंकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है ब्रिटेन, सी है ग्रीस और रोम, डी है स्पेन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस और रोम। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसोफर, बी ईस्टर्न फिलोसोफर, सी नॉर्थ फिलोसोफर और डी नॉन ऑफ दीज। तो ये तो हमारे इंडिया का ही है, तो आपको पता ही होगा नॉर्थ फिलोसोफर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नॉर्थ फिलोसोफर। 24 का हो जाएगा सेटिस्फाइड इन द सोल एम ऑफ आवर। ऑप्शन ए है फिलोसोफर, बी है फार्मर, सी है राइजीस, डी है साइंटिस्ट। तो 24 का आंसर हो जाएगा राइजीस। 25 का हो जाएगा डॉट 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 इज दैट अगेन ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ऑप्शन है नेहरू जी, बी है ए ऑप्शन है नेहरू जी, बी है गांधी जी, सी है पटेल, डी अंबेडकर। सो बच्चे करेक्ट ऑप्शन जो होगा गांधी जी हो जाएगा। 26 पे चलते हैं। डॉट 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 वी आर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। ऑप्शन ए है आवर एंसेस्टर्स, बी है जर्मन, सी है रोमन्स, डी है इटालियन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर।
26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर। 27 पे आते हैं, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी अ मोर टुवर्ड्स वन अनदर। ऑप्शन ए है इनेमी, बी एन एंग्री, सी अपसेट, डी फ्रेंडली। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 27। 28 आवर सिस्टर इंजॉय ट्रू होम रूल, ये तो आपको पता ही है, सो करेक्ट, मैंने आंसर दे दिया होम रूल। 28 का सी हो जाएगा होम रूल। 29 वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अस डॉट डॉट हैप्पी। ऑप्शन ए है बर्ड, बी है मैन, सी है काउ, डी है डॉग। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन, क्योंकि हमारे पूर्वज जो कहते थे कि अगर मनुष्य के पास ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होगा तो वो कभी हैप्पी नहीं हो पाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन। 30 पे चलते हैं, गांधी जी इज वेंट टू चंपारण इन डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 1915, बी 1916, सी 1917 और ए डी 1918। सो करेक्ट आंसर इज सी 1917। क्वेश्चन नंबर 31, पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट 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 एंड रोमन रिटन बाय। ऑप्शन ए है ब्रिटिश, बी है ग्रीक, सी है जर्मन, डी है इंडियन। सो स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ग्रीक। आगे चलते हैं 32 क्वेश्चन पे, द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। ऑप्शन ए है फायर, बी है एग्रीकल्चर, सी है कारपेंट्री, डी है नॉन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फायर इज आवर करेक्ट आंसर ऑफ 32। Moving to a next question, that is 33. Observing all this, our ancestors guided us from luxurious and pleasures is from. ये पूछ रहा है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, ज़्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आइए ऑप्शन देखती हूँ, ए अ पिंच ऑफ स्नो, बी द अर्थ, सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड डी इंडिया थ्रू अर्थ ट्रैवलर आई। डैट इज ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर ऑफ 33। मूविंग टू 34, सिविलाइजेशन इज पॉइंट आउट टू अ मैन। ऑप्शन ए हाउ टू मेक अ मनी, बी ऑप्शन बी हाउ टू विन द एनिमी, ऑप्शन सी द पाथ ऑफ ड्यूटी, डी द वे ऑफ लिविंग। कह रहा है 34 में कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, हमें क्या पॉइंट करवाता है सिविलाइजेशन, तो ये है द पाथ ऑफ ड्यूटी। करेक्ट आंसर है सी द पाथ ऑफ ड्यूटी। स्टूडेंट प्लीज आप मेरी वर्ड को सुनिए और करेक्ट आंसर को पॉइंट आउट करिए, क्योंकि एक्चुअली मेरे स्क्रीन की जो ब्रश है वो ख़राब हो गई है, क्लिक नहीं हो पा रही है, इसलिए आप मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे, टू ऑब्जर्व मोर्टालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर। ऑप्शन ए है इकोनॉमिकल ग्रोथ, बी है पॉलिटिकल एबिलिटी, सी है माइंड एंड पैशंस, और डी है आर्ट। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा माइंड एंड पैशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, द माइंड इज अ रेड रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन। ऑप्शन ए हंगरी, बी अनसेटिस्फाइड, सी थर्स्टी, एंड डी सी नो। मैं पहले ही बोली थी ना कि मनुष्य ऐसा है कि उसे जितना भी दिया जाए वो उसे कम लगता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जैसे हमें कुछ मिलता है तो हम कहते हैं कि काश वो मिल जाता, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। स्टूडेंट इसको करेक्ट करिए, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे,
हैप्पीनेस इज लार्जली अ ऑप्शन ए है मेंटल कंडीशन, बी फिजिकल कंडीशन, सी डिजीज, डी इमेजिनेशन। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैप्पीनेस तो हमारी मेंटल कंडीशन है ना, तो 37 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी वाज मोर अ ऑप्शन ए है पॉलिटिशियन, बी इकोनॉमिस्ट, सी सोशल रिफॉर्मर एंड डी स्पिरिचुअल लीडर। 38 का आंसर हो जाएगा डी स्पिरिचुअल लीडर। 39 क्वेश्चन नंबर, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव अ लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। ये पूछ रहा है कि ये लाइन कहाँ से, तो सीधा की बुक का ही यहाँ पे छापा है, इसलिए आप बस ऑप्शन को देखिए और ट्रिक करिए। ऑप्शन ए है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बी है आई हैव अ ड्रीम, सी है भारत इज माई होम एंड डी है द अर्थ। तो आपको पता है ऑप्शन ए इज करेक्ट, 39 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आवर एंसेस्टर्स डिसग्रेडेड अस फ्रॉम ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, बी लग्जरियस एंड प्लेजर, बी मॉर्टलिटी एंड डी स्पिरिचुअलिटी। ऑप्शन बी है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं एंसेस्टर हैं फोर फादर है, वो कभी ये नहीं चाहते थे कि हम लोग लेजी हों, इसलिए वो हमेशा मना करते थे लग्जरियस लाइफ को जीना। तो इसका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्टूडेंट, ये आपकी चैप्टर फर्स्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वीडियो में बनाया है, प्लीज़ आप एक बार इसे ज़रूर देखिएगा और जैसे आपकी कमेंट रहेगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों, लाइक करना इस वीडियो को और मुझे कमेंट में बताना कि और आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे मैं वीडियो बना दूंगी। प्लीज़ बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर फर्स्ट की जितना भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा मैंने वो सारा बनाया है, प्लीज़ एक बार देख लेना, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट में नहीं हो सकता बच्चों। सो थैंक यू बच्चों।